विश्वविख्यात शक्तिपीठ मां नैना देवी जी में नव वर्ष के अवसर पर आयोजित मेले के दौरान इस बार आस्था का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है। वैसे तो देश भर से श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं का एक जत्था कड़ी ठंड में करीब 50 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके मां का आशीर्वाद लेने पहुंचा। पंजाब के रोपड़ घनौली से पहुंचे जत्थे ने करीब 13 घंटे में 50 किलोमीटर पैदल यात्रा की और मां नैना देवी के दरबार में पहुंचकर उन्होंने महामाई का आशीर्वाद लिया। श्रद्धालु संजीव ने बताया कि पैदल यात्रा ठंड के मौसम में काफी कठिन थी, लेकिन माता रानी ने इस यात्रा को पूरी करने के लिए शक्ति प्रदान की, जिससे पता ही नहीं चला कि कब रोपड़ से चले और कब मां के दरबार पहुंच गए। उन्होंने माता रानी से कोरोना महामारी को दूर करने सहित सभी को स्वस्थ रखने की प्रार्थना की है। उच्चिया लाइटा वाली माता तेरी सदा ही जय, करा शेरा वाली दरबार की जय। साल की तरह आज भी घनौली से डिस्ट्रिक्ट रोपड़ से 50 किलोमीटर पैदल यात्रा करके 10 शिव सैनिक उनके साथ 10 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे माता नैना देवी जी के दर्शन करने आए। हर साल की तरह हमें खुशी है कि माता रानी का जैसे पिछले साल से पिछले वर्षों से हमारे पे आशीर्वाद रहा, ऐसे आगे को भी रहे। जो ये कोरोना वर्गी बीमारी है, इसको ख़त्म करने के लिए और विश्व की शांति के लिए कि माता शक्तिपीठ श्री माता नैना देवी जी का सब पे आशीर्वाद बना रहे, यही प्रतिज्ञा लेके हम वहाँ से आए हैं। और माता जी से आशा करते हैं कि जैसे इन्होंने इतने सालों से पूरे विश्व पे अपने चरणों में और अपने आशीर्वाद से जनता को खुश रखा, ऐसे ही आगे को भी ये जो कोरोना सब भगाए और नए साल में सभी को तरक्की दे, अपना पूरा आशीर्वाद रखे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।